Greetings to dear students, myself, Dr. Linda Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about economic importance of clove. Clove की economically हमारे लिए कैसे important है, उसकी हिस्ट्री, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन, उसकी बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल फैमिली, सबके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे. क्लोव वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडोनेशिया. लौंग जो है इंडोनेशिया से ओरिजिनेट हुआ. द नेम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्लेवस. क्लोव नाम जो है ये लैटिन वर्ड क्लेवस से इसकी उत्पत्ति हुई. साइंटिफिक नेम ऑफ क्लोव इज साइजिजियम एरोमेटिकम. इसका साइंटिफिक नेम और बॉटनिकल नेम क्या है स्टूडेंट्स? साइजिजियम एरोमेटिकम. क्लोव जनरली आर ड्राइड फ्लावर बर्ड्स फ्रॉम द क्लोव ट्री. लौंग जो होता है जनरली फूलों की जो होती है कलियाँ होती है, सूखी हुई कलियाँ जो हैं वही लौंग के नाम से जाने जाती है. बच्चों क्या होता है क्लोव? लौंग क्या होता है? फूलों की सूखी हुई कलियाँ, यही लौंग के नाम से जानी जाती हैं. बॉटनिकल नेम एंड साइंटिफिक नेम साइजिजियम एरोमेटिकम. फैमिली इसकी है मिल्टेसी. क्रोमोसोम नंबर 22. ओरिजिन प्लेस आइलैंड ऑफ ईस्टर्न इंडोनेशिया. मॉरिशस आइलैंड ऑफ ईस्टर्न इंडोनेशिया से इसकी उत्पत्ति हुई है. द क्लोव इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्री स्पाइस क्रॉप ग्रोइंग इन इंडिया. भारत में उगाई जाने वाली ये इम्पोर्टेंट ट्री स्पाइस है. द क्लोव ऑफ कॉमर्स इज द फुली ग्रोन बट अनओपन्ड एरोमेटिक ड्राइड फ्लावर बट ऑफ एन एवरग्रीन ट्री साइजिजियम एरोमेटिकम. द टर्म क्लोव इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड क्लो एंड द इंग्लिश वर्ड क्लाउड, बोथ मीनिंग नेल. क्लोव जो है फ्रेंच वर्ड क्लो से आया है, इंग्लिश वर्ड क्लाउड से आया है, दोनों का मतलब है नेल. बॉटनिकल नेम क्या है स्टूडेंट इसका? साइजिजियम एरोमेटिकम. फैमिली इसकी क्या है? मिल्टेसी फैमिली के अंतर्गत ये आता है. ये आपको क्लोव ट्री का डायग्राम बच्चों दिख रहा है आपको स्क्रीन पे. क्लोव इज मेनली ग्रोन इन मिड कंट्री वेट जोन ऑफ श्रीलंका. कैंडी केगिली एंड मिटेचे डिस्ट्रिक्ट आर मेजर ग्रोइंग एरियाज. द क्लोव ट्री इज ए स्मॉल एवरग्रीन ट्री दैट ग्रोन टू द हाइट ऑफ 12 to 20 meters. क्लोव का जो पौधा है ट्री है वो एवरग्रीन ट्री है जो कि 12 से 20 मीटर की ऊंचाई तक इसकी हाइट होती है. लौंग जो है क्लोव है ये मोलुका आइसलैंड का स्थानीय पादप है. ये स्थान कहाँ पर स्थित है बच्चों? पूर्व इंडोनेशिया में ये स्थान स्थित है. इसे स्पाइस आइलैंड या मसाला द्वीप भी कहते हैं. भारत में क्लोव मुख्यतः तमिलनाडु व केरल के कुछ भागों में उगाया जाता है. क्लोव साइजिजियम एरोनोटिकम इज मोनोशियस बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. क्लोव का पादप क्या है? मोनोशियस है जिसमें कि मेल व फीमेल दोनों फ्लावर्स एक ही पादप पर लगते हैं. एवरग्रीन ट्री सदाबहार वृक्ष है. इन द फैमिली मिल्टेसी ग्रोन फॉर द एरोमेटिक फ्लावर्स. ये मिल्टेसी फैमिली के अंतर्गत आता है. इसके फूल जो होते हैं उसमें एक विशेष एरोमेटिक सुगंध होती है, लेकिन ये सुगंध इसकी कलिकावस्था में ज़्यादा होती है इसलिए इसको कलिकावस्था में तोड़ लिया जाता है. द मैनी ब्रांचेज ऑफ द ट्री आर सेमी एरेक्ट विद स्मूथ ओवल शेप्ड लीव्स. द ब्रांचेज एंड विद 3-4 फ्लावर्स
near the tip with one terminal flower and the other opening below it. The leaves, flowers and bark all have a distinct smell. The clove is the unopened flower buds. The tree grows 8 to 15 meter. The clove tree may also be referred to as tropical, myrtle, and are native to the Molusk Island. लौंग का पादप जो है ये सदाबहार वृक्ष है, एवरग्रीन ट्री है। ये वृक्ष नियमित शाखित 25 से 40 फुट ऊंचाई का शक्वाकार कोनिकल होता है। पर्ण जो इसकी होती हैं, पत्तियां होती हैं, ये सम्मुख विन्यासित अपोजिट डेक्यूसेट होती हैं, चमकीली हरी होती हैं। उनमें तेल ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण ये इसकी पत्तियां जो होती हैं वो खुशबूदार एरोमेटिक सुगंध लिए हुए होती हैं। पाशर शाखाओं के शीर्ष पर पुष्प सासीमाक्ष पुष्प क्रम में विकसित होते हैं, टर्मिनल साइम में विकसित होते हैं। प्रत्येक पुष्प में असंख्य पुंकेसर तथा एक इन्फीरियर ओवरी होती है। फल एक बीजीय ड्रूप होता है। द वोलेटाइल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द क्लोव बर्ड कंटेन मेनली 80-90% एंड कैरियोफाइलिन 4-8%। जो क्लोव की बर्ड होती है उसमें वोलेटाइल ऑयल जो उससे मिलता है वो 80-90% होता है और कैरियोफाइलिन इसमें 4-8% तक होता है। एरिया एंड प्रोडक्शन। इन इंडिया द क्लोव इज कल्टिवेटेड इन एन एरिया ऑफ 2600 हेक्टर विद एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 1160 टन्स। द प्रोडक्टिविटी इज 400 किलोग्राम पर हेक्टर। The clove is an evergreen tree growing to a height of 7 to 15 meter. सदाबहार वृक्ष होता है जिसकी की हाइट 7-15 meter तक होती है। It began to fork near the base into 2 or 3 main erect branches. The smaller branches are semi-erect. The twigs are brittle, smooth and greyish white in color, and the whole head is bushy and dense. The leaves are simple, opposite, stipulate, glabrous and aromatic owing to plenty of oil glands on the lower surface. The new leaves appear in flushes and are bright pink. The hermaphrodite flower are borne on terminal corymbos and trichotomous panicle. लौंग का पादप सदाबहार वृक्ष है। वृक्ष नियमित रूप से शाखित 25 से 40 फुट ऊंचाई का शक्वाकार कोनिकल होता है। पत्तियां इसकी सम्मुख विन्यासित होती हैं, चमकीली हरी रंग की होती हैं। तेल ग्रंथियों के इसमें लोअर सरफेस से तेल ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, इसी के कारण ये खुशबूदार एरोमेटिक होती हैं। पाशर शाखाओं के शीर्ष पर पुष्प सासीमाक्ष पुष्क्रम में विकसित होते हैं। पुष्प नलिकाकार होते हैं तथा परिजायांगी एपिगाइनस होते हैं। प्रत्येक पुष्प में असंख्य पुंकेसर तथा इन्फीरियर ओवरी होती है। फल इसका एक बीजीय ड्रूप होता है। द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लावर अलोंग विद द कैलिक्स डेवलप्स इनटू ए फ्लैशी डार्क वन सीडेड ड्रूप। इसका फल एक बीजीय ड्रूप होता है। द सेपल्स आर रिड्यूस्ड टू ट्राइंगुलर प्रोजेक्शंस एंड दिस इज पॉपुलरली नोन एज मदर ऑफ क्लोव।
द फ्रूट्स मदर ऑफ क्लोव इज यूजली ए सिंगल सीडेड ड्रूप बट ओकेजनली कंटेन टू सीड्स ऑल्सो। इसके डायग्राम में इस प्लांट का, इसमें कि बहुत सारी बर्ड्स लग रही हैं ट्री पे, क्लोव ट्री स्टूडेंट दिख रहा है आपको, क्लोव ट्री, ये क्लोव की बर्ड्स हैं, ये क्लोव बर्ड्स, ये क्लोव फॉलिएज और ये क्लोव फ्रूट्स। अब इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए स्टूडेंट्स? क्लोव ग्रोज वेल अंडर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्लोव को वार्म व ह्यूमिड क्लाइमेट में इसकी ग्रोथ होती है। द एनुअल रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 150 टू 300 सेंटीमीटर एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 70% एंड अबव। इट ग्रोज वेल फ्रॉम सी लेवल टू एन altitude of 700 to 900 meter and the mean temperature range from 20 to 32 degree centigrade. 20 से 32 degree centigrade temperature पर इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। सोइल इसके लिए किस प्रकार की मदद चाहिए ग्रोथ के लिए? डीप रेड लॉम सोइल, ब्लैक सोइल एंड लेटराइट सोइल रिच इन ह्यूमस हैविंग ए pH बिटवीन 4 टू 5.6 आर फाउंड बेस्ट फॉर क्लोव कल्टीवेशन। डीप रेड लॉम हो या ब्लैक सोइल हो, लेटराइट सोइल हो जिसमें कि ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में हो, साथ ही इसका पीएच 4 से 5.6 के बीच में हो, वो क्लोव कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त होती है। सैंडी सोइल एंड वाटर लॉक्ड कंडीशन आर अनसुटेबल फॉर द क्लोव कल्टीवेशन। सैंडी सोइल और वाटर लॉक्ड कंडीशन जो होते हैं वो इसके लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, अनसुटेबल होते हैं। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।